माशाल्लाह यार, सुभान अल्लाह, सुबह का व्यू कितना प्यारा है यार। वो सामने मज़ार कायद देखो, फुल क्लियर नज़र आ रही है और रोड्स पे कुछ लाइट्स जल रही हैं, किसी के घरों में कुछ लाइट्स जल रही हैं। और अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ अपने घर में। सुबह उठ के यही काम होता है, ये जो तोतों का जो कपड़ा है इनको ऊपर करना होता है, इसको ऐसे करके ऊपर लटका दिया और यहाँ पे सारे तोते हो गए। अच्छा, ये इसलिए करना है क्योंकि सुबह हो गई है तो ये बाहर के नज़ारे भी करेंगे और कुछ देर में धूप भी आ जाएगी तो ये धूप में भी बैठ जाएंगे। अंडे वंडे दिए तुम लोगों ने? अंडे दो यार, घर के अंदर जब जाके बैठ रही हो तो अंडे दो। और तुम लोग अगर सॉरी, अभी तक घर लगाए नहीं है, एक दो दिन में लगा देंगे, टेंशन नहीं लो। बस कलर करना बाकी है, कलर हो गया दो पे, एक पे बाकी है, तो यार टेंशन नहीं लो। तुम लोगों को अभी क्या बोलते हैं, घर लगा दूंगा। और हाँ, ऊपर तुम लोगों को तो लग ही जाएगा, टेंशन नहीं लो। वो तो भाई हमारा पुराना है, वो बड़ा मस्ती खोर है कसम से। अगर उसके पिंजरे में उसके करीब हाथ डाल दो ना, ऐसा काटते आपकी सोच होगी। तुम लोग क्यों छोड़ कर दी यार, चुप हो जाओ, चुप। मैं ब्लॉक कर रहा हूँ ना, चुप हो जाओ, इनसे मैं बात कर रहा हूँ। तुम लोग क्यों बीच में बोल रहे हो? तो तुम लोग भी बात करना चाह रही हो तो कर लो भाई। कैसी हो? ये लोग ठीक है यार, अपना बताओ। मैं भी ठीक हूँ। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। और इस व्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। 6 hours later। सो गाइस, मैंने 3-4 घंटे का रेस्ट कर लिया और अभी टाइम हो रहे हैं 10:50 अराउंड। तो अभी हमें जाने एक शूट की लोकेशन पे, उससे पहले नाश्ता तो भाई हमें करना नहीं क्योंकि भाई रात जागे तो भाई क्रेविंग्स हो रही थी, हमने कुछ खा लिया था तो इसलिए भूखे नहीं। अगर ऐसा हुआ तो वापसी में हलवा पूरी लेते हुए आ जाएंगे। लेकिन अभी हमें जाना है शूट की लोकेशन पर। वहाँ पे दिखाना ये है कि बिहाइंड द सीन, मतलब शूट होता कैसे, कैमरा मैन, प्रोड्यूसर, ऑडियो सिस्टम, एनी थिंग जो जो ड्रामे के पीछे होती है। आपको तो लगता है कि बस ड्रामा शूट हो गया और आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, तो इसके पीछे भाई जो मेहनत होती है, स्ट्रगल होता है, वो कैसे होता है वो मेरे को आपको दिखाना है। तो चलते शूट की लोकेशन। सुबह जाने का मकसद ये है कि अगर हम शाम में या दोपहर में या रात को जाएंगे तो वहाँ पे शूट चल रहा होता है, 12 बजे के बाद वहाँ पे एक्टर्स आ जाएंगे तो शूट चलेगा। शूट के दौरान वीडियो अलाउ नहीं है तो हम उसे जाएंगे वहाँ पे। और यार एक्टर्स होंगे तो हमें नर्वस भी होगा, तो इसलिए हम खाली वहाँ पे जाके वीडियो बना रहे हैं। लोकेशन पर पहुँच चुके हैं और जहाँ भी शूट हो रहा होता है वहाँ पे जनरेटर होता है। एक जनरेटर यहाँ पे ये रहा और एक वो पीछे, तो दो जनरेटर होते हैं और ये घर है जहाँ पे शूट हो रहा है। भाई घर में एंटर होते ही हमें यहाँ पे ट्राइपॉड नज़र आ जाते हैं। ये है लाइटनिंग का ट्राइपॉड और कैमरा का ट्राइपॉड, बाकी 3-4 लाइटें नीचे पड़ी हुई RGB लाइट्स, और एक ये लाइटनिंग ट्राइपॉड है। और यहाँ पे थोड़ा सामान पड़ा हुआ है, मेकअप रूम यहाँ पर है और ये लाइट को रोकने के लिए जो शेड आते हैं ये वो है। कुछ सामान यहाँ पर रखा हुआ है भाई, 3-4 रूम वहाँ पर है, एक रूम ये रहा, एक रूम ये रहा और एक रूम ये रहा। यहाँ पर इस्त्री होती है और जो ये ड्रामों में जो कपड़े यूज़ होते हैं यहाँ पे वो रखे हुए हैं। और ये कुछ ड्रामों की किस्तें, ज़िंदगी एक पहेली, इधर काफ़ी सारी स्क्रिप्ट रखी हुई हैं और खाने के लंच बॉक्स भी रखे हुए हैं और उसमें कुछ जेवर भी हैं। सेकेंड रूम ये भाई, यहाँ पे किचन है और यहाँ पे चाय वाय बना रहे हैं। अंकल चाय बना रहे हो या कॉफ़ी? कॉफ़ी। तो भाई अभी जो एक्टर बैठी हुई है उनके लिए कॉफ़ी बन रही है। और यहाँ पे ये पर्दे हैं, इसके बैक पे जो लाइट आती है, जो आपको लगता है कि सूरज की लाइट है लेकिन वो यहाँ पे एक लाइट होती है। और यहाँ पे कुछ शोपीस रखे हुए हैं, ये तो खैर काम के नहीं है। और एक जगह भाई ये रही, यहाँ पे ये सोफे और लगे हुए हैं जहाँ बाहर लॉन्च का जो सीन होता है शूट वो यहाँ पर होता है। और सामने कुछ पेंटिंग है ताकि बैकग्राउंड अच्छा आ जाए। और एक सूरज भी है जो फुल मेरे मुँह पर आया हुआ है ताकि मेरे को थोड़ी गर्मी वगैरह लगे। और ये रही एक सीढ़ी, ऊपर जाने का भी रास्ता है, वहाँ पे भी कुछ लगा हुआ है। अब मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है लेकिन है थोड़ी बहुत। और आपका भाई ये रहा, कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ ना, मुझे कास्ट करना चाहिए यार इन लोगों को, लेकिन ये लोग करते नहीं, पता नहीं क्यों। आहा, बहुत चंगा ना मैं। यहाँ पता नहीं क्या होगा, ये ऊपर जाने का रास्ता है। हाँ तो ऊपर तो शायद कुछ है नहीं, फिर भी भाई ऊपर चल लेते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए हमें इन्फॉर्मेटिव। हाँ हाँ, ऊपर जगह है, जगह है। चलो 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 चलो, इधर भी कुछ रूम्स है। हाँ यहाँ पे भी भाई रूम है और ये भी एक किचन है। अच्छा, इसका फर्स्ट फ्लोर है, नीचे ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर भी ऐसा ही कुछ है। हाँ एक जोकर भी जो सिगरेट पी रहा है, इसको शर्म नहीं आती। अच्छा, और यहाँ पे भी लाउंज है, यहाँ पे कुछ कबूतर मक्खियाँ वगैरह थी। और ये भाई पूरा बंद है, मुझे डर लग रहा है यहाँ पे, मैं अकेला आया हूँ यार। और नीचे सारे लोग बैठे हैं। अच्छा, ये आप डर नहीं लग रहा? चलते भाई यहाँ से और कुछ और टूर करते हैं। यहाँ पे कार्ड लगे हुए हैं और बैकग्राउंड ये अच्छा जो आता है, और वहाँ पे एक मिरर भी है। फिर से तुम लोग मुझे मिरर में देखो। हाँ कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हो ना, लाइक कर देना इसी बात पर।
इस चढ़े तो ऊपर भी हम चलते हैं, मगर यहाँ पे पत्ते लगे हुए हैं और ये छत है। हाँ, ये बाय द वे ये छत है, तो यहाँ पे भी शायद कुछ सीन शूट होते होंगे। और सामने कपड़े लटक रहे हैं और एक आदमी, नहीं नहीं आदमी नहीं है वो, कपड़े ही। तो यहाँ पे तो कुछ इतना खास है नहीं, बाकी दरख्त अच्छे हैं, इन पे फूल अच्छे लगे हुए हैं, तो फिर चलते ही नीचे। हमने सारे कवर कर लिए कि यहाँ पे क्या क्या लोकेशन है, क्या क्या प्लेस है और कितने रूम्स हैं और क्या क्या जगह हैं। ये रहा भाई यहाँ पे ऑडियो सिस्टम और माइक, देखो कितना छोटा है। ये लगता है तो नज़र भी नहीं आता कि कहीं माइक लगा है। और यहाँ पे सारी ऑडियो मतलब सेटिंग कर रहे हैं भाई कि कैसे ऑडियो सेट होगी और आवाज़ कैसे आएगी। एक कैमरा भाई ये रहा जो सोनी का कैमरा यूज़ होता है, और ट्रैपोड इसका देखो, मतलब समझ रहे हो ना, फिर जब इतने महंगे महंगे कैमरे हैं तो उसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी महंगे आते हैं। और यहाँ पे बेडरूम ये रहा, इसके भी बेडशीट चेंज होगी और यहाँ पे शूट होगा। इसके अलावा यहाँ पे शोपीस रखे हुए हैं और बैकग्राउंड वॉल पे कोई फ्रेम है ताकि लुक अच्छा आ जाए। रूम का तो भाई मैं आपको टूर करा दिया रूम का, लॉन्च का, और बाकी यहाँ पे जो लाइटनिंग अभी सेट होगी फिर मैं डायरेक्ट आपको लाइटनिंग दिखा दूँ। नाश्ता वगैरह चल रहा है और जो सेटअप अभी होगा, मैंने कहा था मैं काफ़ी जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन वही सेटअप होगा, अभी लाइटिंग लगेगी, इसके बाद जो एंड का रिजल्ट है वो तुम्हें दिखाना है, लेकिन उससे पहले काफ़ी देर लग रही है, आधा घंटा तो मैं ऐसे बैठा हूँ, इससे बोरिंग हो रही है यार मुझे, क्या करूँ मैं। फाइनल शो भाई ये रही एक लाइट जो यहाँ लगेगी, और कमरे में ऐसा शो होगा कि सूरज की लाइट है, और एक लाइट ऊपर रखी हुई है और एक बाहर लगी हुई है, यही एक लाइट। तो भाई हमने काफ़ी शूट कर लिया, निकलते घर पे, और यहाँ भूख भी लगी है, हलवा पूरी लेके घर चलते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, और फिर पूरी रात जागा हूँ तो सोते हैं। ओके सेट से फ्री हो गए, अभी लेते हैं हलवा पूरी और फिर चलते हैं घर पे खाते हैं। पूरी लेके इसको घर जाके खाते हैं। और ये व्लॉग आएगा भाई काफ़ी लेट आ रहा है, ये व्लॉग बनाया मैंने एक महीने पहले था और यह आ भी रहा है, क्योंकि पहले जो जिसके चैनल की जो शूटिंग चल रही थी उनकी तरफ से मतलब कुछ पॉलिसी थी, जिस दिन ड्रामा भाई ऑन ईयर होगा उसी दिन ये ब्लॉग आ सकता है, तो उन्होंने भाई हमें बनाने दी उनकी मेहरबानी। तो भाई ये था कि मैं आपको बताया ड्रामा कैसा बनता है, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। तो यहीं तक था ब्लॉग, पसंद आया तो भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।